कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें हम पीएससी का आपका जो सीजीपीएससी का आपका तैयारी पूरा हम एमसीक्यू के माध्यम से करा रहे हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि ये वीक के जो वीडियोस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका सी सेट का लेवल अपग्रेड हो गया, उसमें आपको जो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं आपका, वो सारा आपको कवर करा रहे हैं ये वाला। तो आज का जो पोर्शन है वो हमारा पोर्शन है वो है हमारा ज्योमेट्री। ये हमारा पोर्शन कौन सा है आज का? ये है हमारा ज्योमेट्री। आप पिछले दो साल के पेपर देखेंगे और अलग अलग व्यापम के एग्जाम भी देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्लस साथ में एक क्षेत्रमिति जो होगा उस पर भी ध्यान देना। मैं अभी से बता रहा हूँ सी सेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी अपग्रेडेड फॉर्म में रखनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि आप छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के भरोसे आप चले जाते थे, और पिछले बार का आपने देखा कि बहुत लोगों ने जिन्होंने पेपर 1 क्लियर कर लिया है पेपर 2 सी सेट में यहाँ पर रुक गए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा और तैयारी को थोड़ा सा अपग्रेड करके रखिएगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्री, और ये हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ में क्या होगा, जो आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना उसको भी साथ में पूरा बताऊंगा, तो उस चीज़ को ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से आपका वो आ रहा है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। किस पे है? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, जब बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की करेगा ना तो ये हमारे पास क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। इस समबाहु त्रिभुज में यहां पर खास बात होती है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होती ना वो यहां पर क्या होती है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं यहां पर क्या होती है हमारे पास? इसकी बराबर होती है, ठीक। और प्लस ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण भी तीनों यहां पर बराबर होता है, वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का हमारे पास होता है। तो आपको यहां पर ये जो है ए बी सी, आपको यहां पर समबाहु त्रिभुज आपको बोला हुआ है, ठीक है। डी एक मध्य एक बिंदु है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब यहाँ पे लंब है आपका, ए डी आपका लंब है किस पे? यहाँ पर बी सी पर। जब भी समबाहु त्रिभुज होगा और जब यहाँ पे लंब डाला जाएगा 90 डिग्री का, तो ये इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा आपका ए हुआ तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये a बटे 2 हुआ, और ये वाला जो पोर्शन हुआ ये भी कितना हुआ? a बटे यहाँ पर क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक है। आपको निकालना बोला गया है तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ab is to bd, ab is to bd, ab, ab और bd, ab और bd का अगर मैं अनुपात निकाला तो ये a बटे 2 होगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2:1 आएगा। तो हम ये समझ गए हैं कि ए बी और बी डी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:1 होगा, और ये एक ही ऑप्शन है तो ये हमारा सही होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट में भी ध्यान देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब बात त्रिभुज का कर रहे हैं ना, बात हम जब त्रिभुज का कर रहे हैं, त्रिभुज किस कंडीशन में बन सकता है? त्रिभुज हमारे पास बन सकता है कंडीशन पे, ये तो आपने लिख लिया, ठीक। त्रिभुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, त्रिभुज का ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, मान लो
ये एक भुजा है ए, ये भुजा है बी और ये भुजा है सी। कोई भी त्रिभुज को फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन आपका जरूरी है कि जो भी दो अन्य भुजाएं होंगी उनका जो योग होगा ना, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे याद रखना, अगर सपोज मैं यहाँ पे चार बोला और यहाँ पे नौ बोला और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया चौदह, क्या ये फॉर्म हो सकता है क्या? मैं यहाँ पर देखा कि नौ और चार कितना हुआ तेरह, और यहाँ पर ये कितना दिया चौदह, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं नौ हैं, चार हैं, चौदह हैं, ये आपको नहीं बन सकता है। तो ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहाँ पर आपको तीन भुजाओं का आपको वहाँ पर क्या दिया, आपको वैल्यू दिया हो, और ये पूछेगा कि आपका कौन सा त्रिभुज बन सकता है और कौन सा आपका नहीं बन सकता है, ऐसा आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और बीच में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में लेके आऊंगा, याद रखना। ठीक, ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं एक वृत्त को छूती हैं, वृत्त को छूती हैं। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 7.5 सेंटीमीटर है, सी डी आपका 3 सेंटीमीटर, तो आपको डी ए निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, पहला काम चलो मैं पहले काम ए बी सी डी बना लेता हूँ। ए बी सी डी बना ली, आपको एक वृत्त बनाना है जो इसको यहाँ पर क्या कर रही है, छू रही है। ठीक है ना? ये हमारे पास एक वृत्त है ए बी सी डी, जिसमें ए बी यहाँ पर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर हमको दिया है, बी सी कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर दिया है, सी डी आपका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया है, और आपको निकालना है ये। ठीक है ना? अब जब यहाँ पर क्या होता है कि जब बाहर से कोई रेखा, मतलब बाहर से अगर सपोज किसी पॉइंट से, अगर बाहर से किसी पॉइंट से अगर मान लो ये इसको टच करते हुए निकलता है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उस वृत्त का टेंजेंट। टेंजेंट मतलब यहाँ पर क्या हुआ उसका, वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जब ये इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास सपोज मैंने यहाँ पर पी क्यू आर और एस सपोज मैंने यहाँ पे लिया, तो उस कंडीशन पे क्या होता है मालूम, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, वैसे ये दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर होते हैं और ये दोनों वैल्यू बराबर होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं सभी कंडीशन निकाला तो वहाँ पर ये बनता है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस यहाँ पर क्या बनता है बी सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। मतलब जो ऑपोजिट साइड्स होंगे ना इसका टोटल और इसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे उसका टोटल यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको ए डी निकालने बोला है, तो ए डी को अपन लोग, डी ए को अपन लोग क्या मान लेते हैं एक्स, ए बी कितना दिया हुआ है 6, सी डी कितना दिया हुआ है 3 बराबर एक्स प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे 7.5, तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा और यहाँ लाके माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 9 माइनस 7.5 इक्वल टू 1.5, ये हमारा आंसर। क्लियर? ज्योमेट्री के वीडियो लाइन से ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें और मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर एग्जाम में काम होने वाला है। ठीक है, हमारे पास लेक्चर एक ही है और अब जो लेवल क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया है, तो आपको अलग अलग तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको साथ में वो भी आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। तो सारे वीडियो सारे क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखना और सारे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत बहुत काम आने वाला है। चलिए कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग। बात क्या कर रहा है, वर्ग का, और यहां पर बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बात कर रहा है वर्ग का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर, मतलब वर्ग के अंदर एक समभुज त्रिभुज है, समबाहु है ना। यदि सी और बीडी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं तो एंगल बीओसी बराबर है। अच्छा, पहले हम यहां पर वर्ग है ना, तो एक काम करते हैं पहले वर्ग के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। ये आपका वर्ग,
वर्ग में यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ये जो चारों भुजाएं होती है ना, ये आपकी चारों भुजाएं यहाँ पर क्या होती है, बराबर, ठीक। इसके आपके पास क्या होते हैं, ये जो कोने में जो बनता है, ये जो डिग्री हमेशा सभी में यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री हमारे पास होता है। ये पहला काम, जब ये इस तरीके से काटेगा तो यहाँ पर ये जो होगा ये इसको बराबर इक्वल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या बोलते हैं अपने को, कोण को यहाँ पर कोण समद्विभाजक जो उसको बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा और यहाँ पर जो होता है ना ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर थोड़ा सा वो लग रहा है तो उसको अपन लोग ये कर लेते हैं, ये हम समझ गए 90 डिग्री। जब ये इस तरीके से कटेगा तो ये जो होगा ना कोण, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो बनेगा ना ये 90 डिग्री होगा, और ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, मतलब बराबर होंगे, ये सभी के सभी एक दूसरे से यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे आपके पास, ठीक है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक ए ए बी सी और डी है, ठीक है। बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें एक जो भुजा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना भाई। बी ई सी हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि बी डी और सी ई, सी ई और बी डी, सी और बी डी, अच्छा ये सी और यहाँ पर बी डी, ये आपको काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है आपको, एक जगह ओ पे काट रहा है। अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि कहीं पर भी क्या होता है कि आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको फिगर वहाँ पर दे, ठीक है। तो आपको फिगर डेवलप करना सीखना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, बहुत जगह चांसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पर आपको फिगर आपको देगा, लेकिन बहुत जगह आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ना, वो विदाउट फिगर लेके आया हूँ, लास्ट में आपको बताऊँगा कुछ क्वेश्चंस को फिगर के साथ में किस तरीके से बनता और क्या बनता, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक, ओ पे काटता है, तो अपने क्या निकालना, बी ओ सी का मान निकालना, किसका निकालना है, बी ओ सी का मान निकालना, ठीक है भाई, ओके, ठीक। अब सबसे पहला काम ये हुआ, अभी हम कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट समझे थे, क्या कॉन्सेप्ट समझे थे, उसको याद रखना कि जब ये विकर्ण ऐसा कटेगा तो बीच में कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली ये डिग्री यहाँ पर क्या हुआ, 45 हुआ, ठीक है ना। दूसरा, हम यहाँ पे एक चीज़ समझे थे, वो चीज़ हम ये समझे थे यहाँ पर कि अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का मान कितना होगा, तीनों जो भुजाएं कितने होंगे आपके पास, 60 डिग्री होंगे, कितने होंगे हमारे पास, 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री आपके पास होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ, ठीक है। अपने को निकालना बी ओ सी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है आपके पास, तीनों भुजाओं का कोण आपके पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास 45 और 60 मतलब 105 हो चुका है, तो बचा कितना है, 75 डिग्री, समझ में आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास 45 आ चुका है, ये हमारे पास 60 आ चुका है, तो जो तीसरा कोण होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 45 प्लस 60, तो 180 माइनस 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देखना और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, किस किस तरीके से कहां पर मैं क्या क्या बना रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और
चारों भुजाओं का, चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, 4 डिग्री होता है और उन चारों का जो योग होता है वो हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री हमारे पास होता है। इक्वेशन बना के ट्राई करो, इसका कैसे बनेगा। ठीक है, इक्वेशन बना के ट्राई करो। चलिए हम यहां पे ले लेते हैं 4 डिग्री, ए है, बी है, सी है और डी। पहला कंडीशन, कोण ए कोण बी से 26 कम है, तो अगर ये एक्स हुआ तो ये एक्स माइनस 26। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम बोला है कि कोण बी कोण सी का दुगना है। ये जो कोण बी है ना, जो कोण बी है सी का दुगना है, कोण बी सी का दुगना है, तो सी क्या हो जाएगा, बी का क्या होगा, आधा। ये हमारे पास हुआ। और कोण सी डी से 10 अधिक है, कोण सी जो है ना, कोण सी डी से 10 अधिक है, कोण सी डी से 10 अधिक है, तो इसका मतलब जो डी होगा ना वो सी से कितना कम होगा, 10 कम होगा, तो ये कितना होगा, एक्स बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा, 10। तो आपको कोण ए का मान निकालना है। अब ये चतुर्भुज हमारे पास 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं के 4 कोण होंगे और उन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। इसका मतलब एक्स बटे 2 माइनस 10 प्लस एक्स बटे 2 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये जो है ना 26 है। ठीक, ये हुआ 2x, आधा आधा मिला के 3 हुआ, 3x बराबर ये माइनस माइनस 36, दोनों मिला के माइनस 36, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 396। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 396 बटे 3 132। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 132 x का वैल्यू हमारे पास आ गया। पूछा हमको यहाँ पर क्या है, पूछा हमको a का पूछा है और a जो है वो x माइनस 26 है, मतलब 132 माइनस 26 है तो वो कितना है, 106। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न में आते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजक, जो कोई भी चीज को दो बराबर बराबर भागों में यहां पर क्या करता है, बांटता है, उसी को हम कहते हैं समद्विभाजक। ये आपका दिया है, ठीक है ना। ये आपका यहां पर क्या दिया है, ये इसके समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोण होगा वो उस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। ये समद्विभाजक होता है। ये आंतरिक वाला हुआ, अब ये बाहर वाला, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। जब बात एंगल एंगल बी और सी की करेगा तो ये होता है 90 प्लस हाफ एंगल, ठीक है। और जब यहाँ पर एंगल बी डी सी के बारे में बात करेगा ना तो वो होगा 90 माइनस हाफ एंगल ए, ठीक है। दोनों को मतलब यहाँ पे सी होगा, ए बटे 2 और हाफ ए, दोनों का मतलब यहाँ पे सी होगा, ठीक। BAC कितना दिया हमारे पास, 80 डिग्री दिया है।
हमको यहाँ पर बी ए सी कितना दिया हुआ है, बी ए सी आपको यहाँ पर दिया है 80 डिग्री। तो आपको जब ये वाला निकालने बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 80 का आधा ये कितना हो जाएगा 40, और 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये हमारा आंसर ठीक है ना। बहुत बार एग्ज़ाम में क्या करेगा मालूम आपको, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है, ये भी आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ये वाला जो कोण है और ये जो वाला कोण है, ये जो दो कोण है ना, ये दोनों कोणों का योग मान लो 140 आपको दिया है, ठीक है ना। ये दोनों का कोण आपको कितना दिया, 140 दिया है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, सॉरी ये टोटल कितना है, दोनों मिला के टोटल 140 है, तो इसका आधा और इसका आधा मिला के कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 70। इस चीज़ को याद रखना, आपका एग्ज़ाम में ऐसा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान दें। सर्कल का कहानी बता रहा है, सर्कल का कहानी बता रहा है, एक रफ आपको व्यू दे देता हूं सर्कल का क्या क्या होता है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है वृत्त, आपको एक सर्कल दिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है इस मध्य बिंदु से यहाँ पर जब उसके अंतिम बिंदु पे आप आके मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर। इस आर का मतलब होता है रेडियस, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। अगर इसी को पूरा मिला दिया तो ये यहाँ पर क्या कहलाता है, डी। डी मतलब क्या होता है, डायमीटर, जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्यास। तो डी बराबर यहाँ पर क्या होता है, आर इंटू टू, और आर बराबर क्या होता है, डी बटे दो, ठीक है। और इसके बाद इसमें यहाँ पर क्या होता है कि मान लो सपोज आपको कोई सा भी आपका बिंदु है ए, और यहाँ पर बी आपका बिंदु है, ये आपका केंद्र है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर दो अलग अलग जगह पे दो बिंदुएं मिलते हैं और उनके बीच अपन जो सीधी रेखा बनाते हैं, उस रेखा को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीवा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉर्ड। और ये जो व्यास होता है ना, ये व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो व्यास है ना, ये व्यास आपका क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है किसी भी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, किसका, जो आपके पास जो वृत्त होता है, वृत्त का सबसे बड़ा अगर बोलेगा जीवा तो वो हमारे पास होता है उसका डायमीटर, मतलब उसका व्यास, ठीक है। अब अगर सपोज ये आपका व्यास है, ये आपका डी है, अब इससे मैं कहीं पर भी कोई सा भी एंगल बनाता हूँ ना, इसको पॉइंट कहाँ पे टच करते हुए, कहीं पर भी ऐसा मैं कोण बनाता हूँ, कहीं पर भी ऐसा कोण बनाता हूँ, तो मध्य में कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। इस चीज़ को याद रखना, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सपोज आपका केंद्र से यहाँ से दो पॉइंट आपका निकला हुआ है, यहाँ से आप कहीं पर भी इस दो बिंदु से कहीं पर भी आप कोई सा भी कोण बनाएंगे, ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, तो ये जो मध्य में ओ से जो बनता है ना, ये इसका यहाँ पर क्या होता है, डबल होता है, ये इसका यहाँ पर क्या होता है, डबल होता है। और वैसे ही ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होता है ना, ये इसका आधा होता है, ये इसका, ये जो होता है ना, ये इसका आधा होता है। तो हम यही बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे कोण यहाँ पर क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, ठीक। आगे स्पर्श रेखा वाला आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके बताऊंगा स्पर्श रेखा वाला कैसे होता है। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी, ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से पी पर छूते हैं, पहला वृत्त और ये आपका दूसरा वृत्त, दोनों यहां पर एक पॉइंट है पी,
एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, पी है, और पी पर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, ठीक है। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी मिलन बिंदु है, दोनों का एकदम समान उभयनिष्ठ है, समान उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर मैं, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए को, और यहाँ पर ले लेता हूँ बी को, और यहाँ पर ले लेता हूँ पी को, ठीक है ना भाई, ये ऐसा मिला दिया, इस पी से इसको मिला दिया, ठीक है, ये हमको दिया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी ए बी निकालना, आपको क्या निकालना है, पी ए बी का मान कितना दिया, 35। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको कितना डिग्री दिया, आपको 35 डिग्री दिया है, और निकालना क्या है, ए बी पी, ए बी पी आपको ये निकालना, आपको ये निकालना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला काम, यहाँ से एक लंब सम द्विभाजक डाल लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक। अब ये कितना डिग्री हुआ, ये आपके पास 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका दिया हुआ है 35 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होता है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है ना, कॉमन टेंजेंट, उसके ऑपोजिट में जो एंगल बनता है ना, उसके ऑपोजिट में जो एंगल बनता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो अगर ये 35 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री अपने पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ये हमारे पास सरल रेखा बन रही है, स्ट्रेट स्पर्श रेखा, मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पर, ये 90 डिग्री लंब है ना, 90 डिग्री लंब में डालें अपन लोग उसको, तो ये भी 90 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 होगा, और ये बना अपने पास तीन त्रिभुज बना आपका, इस तरीके से आपका त्रिभुज बना, जिसमें आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये 90 है और ये 35 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। किस प्रकार, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, प्लस 35 कर लेंगे तो 180 माइनस 125 के, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 55, और ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया, गुड। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं वापस फिर से बता रहा हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है आपका, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर पर्टिकुलर फोकस देना। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, डी और ई पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल टू बी सी एंड डी डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, द रेशियो ऑफ ए बी एंड बी डी। ठीक है, ध्यान से देख लो, कौन सा थ्योरम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम, पहला वाला, पहला जो है ना आपका, ये इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो यहां पर क्या होता है, अगर ए बी सी एक त्रिभुज है आपका, और डी ई आपका समांतर रेखा, डी आपका समांतर रेखा, भले ही डी ई आपके पास मध्य बिंदु हो नहीं हो, अपने को उससे मतलब नहीं होता, तो उस कंडीशन पे इसका जो रेशियो होता है ना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन यहाँ पर क्या होता है, ई सी, ये हमारे पास बेसिक होता है। इसके बाद हम इसको एक्सपांड करके इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, सपोज इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए डी, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई भी बोल सकता हूँ, और मेरा मन करे तो इसको मैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ए ई अपॉन यहाँ पर ई सी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से बनता है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आप कक्षा 10वीं में पढ़े हैं,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम? ज्योमेट्री का आपका सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपकी एनसीईआरटी की ना 8वीं 9वीं और 10वीं की जितने भी आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस दिए वो सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम को पढ़ लो, उसके साथ में कोई अच्छी हेल्प बुक लेके उसके ना एमसीक्यू को सॉल्व करो। क्योंकि अभी का जो आपका पीएससी है और व्यापम है ना, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस को पहले अभी आपको मैंने देखे हैं, ये आपको क्या कर रहा है कि पहले जो आपको आरएस अग्रवाल या बेसिक क्वेश्चंस जहां पूछते थे ना आपको, वो लेवल आपका पूछना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं तो पेपर का लेवल ऑब्वियसली बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस बार क्या किया था, आपके जो यूपीएससी के क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि कैट और मैट के थे, बैंक पीओ लेवल के थे, तो लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप पहले वहां से 8, 9, 10 की जो बुक है आप वहां से बेसिक सीखिए और उस बेसिक को अप्लाई करके क्या है कि जो आपका अलग अलग जो आपके बुक्स होते हैं ना वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आप उस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चालू किए तो आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्या क्लियर होगा और आपको मालूम चलेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं और आप एग्जाम टाइम में वाली गलती आप नहीं करेंगे। चलिए, ये पहला, ये आपको बोल रहा है कि ये आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपको बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी, डी और ई बिंदु है ए बी और ए सी पर, डी और ई बिंदु है और ये दोनों समांतर है, पैरेलल है। ट्रायंगल ए बी सी को दो समान क्षेत्रफल वालों में बांटा गया है, दो समान क्षेत्रफल भाई, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं इसका एरिया एक ले लेता हूँ तो इसका भी एरिया क्या होगा, एक होगा। समझ में आ रहा है? अगर इसका एरिया एक हुआ तो इसका भी एरिया यहाँ पर क्या होगा, एक होगा, क्योंकि दोनों इक्वल बांटे अपन लोग, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका संपूर्ण एरिया कितना बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूं मैं इसको, दो बोल सकता हूं, ठीक है, दो समान क्षेत्रफल में बांटा है। तो एडी इज टू क्या निकालना है, बीडी का अनुपात निकालना है, एडी और बीडी का अनुपात निकालना है, एडी और बीडी का अनुपात निकालना है, एडी और बीडी, ठीक है, एडी और बीडी का अनुपात निकालना है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, एडी और बीडी याद समझना, कहीं पर भी क्या होता है कि आपके पास मान लो दो त्रिभुज यहाँ पर क्या हो गए, समान हो गए, दो त्रिभुज यहाँ पर क्या हो गए आपके पास, समान हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये दोनों यहाँ पर समांतर है ना, समांतर, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो समरूप हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो ट्रायंगल समरूप होते हैं ना, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, आर है, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी, जो आपका एरिया ट्रायंगल एबीसी है अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर है इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एबी अपॉन पीक्यू का वर्ग, मतलब कोई सा भी इसके सामने जो संगत भुज है ना उसके वर्ग के यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूआर के वर्ग के बराबर होगा और यहाँ पर ये इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये हमारा, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक, ये इनका क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल दिया आपके पास, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि ए बी सी यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ए डी और बी डी का निकालना है, ए डी और बी डी का, ए डी और बी डी का पहले कंपेयर करते हैं, त्रिभुज बराबर हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत ध्यान से देखना, एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई बटे एरिया ए बी सी बराबर मैं 1/2 बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं। अब ये जो होता है ना, अब ये जो एरिया होता है आपको यहां पर बताया, आपको जो एरिया बताया वो क्या बताया, संगत भुजाओं के यहां पर क्या होता है, जो अनुपात होता है उसके वर्ग के बराबर होता है, क्या होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1/2
वर्गमूल दो का यहां पर क्या बोल सकता हूं, वर्ग बोल सकता हूं, ठीक है ना। अब एडी का जो संगत भुजा है, एडी का संगत भुजा यहां पर क्या है, एक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एडी कितना हुआ, एक हुआ। और जो एबी है ना, और ये जो एबी है, ये संगत भुजा जो एबी है पूरा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वर्गमूल दो बोल सकता हूं। देखो ये वैल्यू कितना हुआ, एक हुआ, और ये पूरा वैल्यू कितना हुआ, वर्गमूल दो हुआ। तो ये जो वैल्यू होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वर्गमूल दो माइनस क्या होगा, एक होगा। वर्गमूल दो माइनस यहाँ पर क्या होगा, एक होगा। तो अपने को एडी और बीडी का अनुपात निकालना, एडी कितना है, एक, और बीडी कितना है, वर्गमूल दो माइनस एक का अनुपात दिया हुआ, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लेवल बढ़ा के करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, मैं जो जो बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, इन सेंटर मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र, ठीक है। ये इन सेंटर अंतः केंद्र को बताए तो क्या होता है, इन सेंटर अंतः केंद्र मतलब यहां पर क्या होता है कि आपके पास तीन कोण है, ए है, बी है और सी है। ये तीनों कोण के जो सम द्विभाजक जहां पर मिलते हैं ना, ये जो आपके तीनों कोण के जो सम द्विभाजक हैं, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तीनों कोण के सम द्विभाजक जिस जगह मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, जिसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। अब देख लेते हैं, ए बी सी का मान कितना दिया, 65, ये पूरा कितना दिया है, 65। ए सी बी कितना दिया है, 55। तो अपने को यहां पर क्या निकालना है, बी आई सी निकालना है, बी आई सी। ये पूरा 65 है, ये पूरा 55 है, ये दोनों मिला के पूरा का पूरा कितना होगा, 120। तो ये इसका आधा और ये इसका आधा, ये मिला के कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। दो तरीका है कि आपके पास ये त्रिभुज बना, अंदर में भी यहां पर क्या बना, त्रिभुज बना, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये दोनों मिला के 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120। एक तरीका ये हुआ, ठीक। आपको क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला यहां पर, अच्छा ये निकालने बोला ना, बी आई सी, तो 120 हमारे पास है, ठीक। अच्छा अब अगर मान लो, अच्छा ये तो इजीली बन जाएगा, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा अच्छा ठीक है। रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक त्रिपुण के, एक त्रिकोण के कोण में से एक कोण एक समांतर भुजा के आसन्न कोण के योगों का एक तिहाई के समान। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ये इस तरीके से होता है। समांतर चतुर्भुज का खास बात क्या होता है मालूम है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। जो ए बी होगा ना, बी सी के समांतर भी होगा और बराबर भी होगा सी डी के। उन द सेम में जो ए डी होगा ना, वो समांतर भी होगा, बराबर ही होगा किसको, अपने पास बी सी के। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये इसके सम द्विभाजक दोनों बराबर होंगे। और ये होता है कि जो आसन्न कोण मतलब जो आजू बाजू का एडजेसेंट कोण होता है, ये दोनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज का मान लेते हैं ये वाला कोण जो है ना, ये वाला जो कोण है वो आपको क्या बोल रहा है, 2/3 बोल रहा है इसके आसन्न कोण के योगों के बराबर। तो इसका 2/3 गुणित 180,
एक बार में 60 बार में कितना हुआ, 120 डिग्री। ये हमारे पास कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। तो ये दोनों कोण मिला के कितने होंगे, ये दोनों कोणों मिला के अपने पास 60 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और जो शेष कोण है वो 5 और 7 के अनुपात है, मतलब एक कोण 5x है और दूसरा कोण 7x है, दोनों मिला के कितना हो गया 60। 12x बराबर 60, x बराबर 60 बटे 12 कितना हो गया 5। तो ये हुआ 5 पंचे क्या हुआ 25, ये 7 पंचे यहाँ पर क्या हुआ 35। आपको क्या निकालने बोला है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 120 हुआ, ये इसको मान लेते हैं 35 और इसको मान लेते हैं 25। सबसे छोटा बोलेगा तो 25, दूसरा बड़ा बोलेगा तो 35, हमको दूसरा बड़ा बोला है तो 35 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9th वाला हमारे पास क्वेश्चन आया है। अगला, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपके ट्रेंग, ये आपका वृत्त का बहुत बार पूछा, ये क्या करेगा, अगर आपको वृत्त का जीवा देगा, वृत्त का जीवा देगा और आपको त्रिज्या देगा तो केंद्र से उसकी दूरी पूछेगा। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। देखो, इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ये आपको दिया हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा की लंबाई, जीवा है ना, वो जी है, वो जीवा है, जीवा की लंबाई 12, ये आपको दिया हुआ है 12 और ये आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना, तो व्यास निकालना आपको त्रिज्या बहुत जरूरी है। तो जब केंद्र से जब यहाँ पर आपका लंब सम द्विभाजक पड़ता है, ये दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा का पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6। अब अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कौन सा बना हमारे पास, ये हमारे पास बना राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको ठीक है यही दिया ना आपके पास 6 और 6, ठीक है। तो वृत्त का आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, ठीक। 10 और 6, ये हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया और ये हमारे पास क्या हुआ 6 हुआ, हम ये निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का वर्ग होगा, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास कितना होगा, नहीं, जीवा की लंबाई कितना दिया है 12 से दिया ना, 12 से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है भाई। ये आपका है कि यहाँ से आपका जो दूरी है ना, ये आपका 12 मीटर है और ये जो जीवा है ना, इसकी लंबाई आपको कितना दिया 10 मीटर। ये दिया अपने को, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको जीवा की लंबाई आपको दिया है 10 और केंद्र से इसका दूरी कितना दिया हमारे पास दिया है 12। तो हम ये जानते हैं कि जब केंद्र, जब कोई यहाँ पे जीवा पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिराते हैं तो वो लंब सम द्विभाजक होता है, 90 डिग्री होता है और ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 5 और ये ऑटोमेटिकली कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, इसको हम जोड़ देते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका आधार, ये आपका लंब, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, निकालना है हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 और ये किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, मतलब जो R है वो 13 आ गया है और निकालना है D, D बराबर क्या होता है R इंटू 2 होता है, तो 13 गुने 2 ये कितना हो गया 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे जैसे फिगर बोलेगा ना वैसे वैसे बनाते चलना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। यहां पर क्या बोला, त्रिभुज आपको ए बी सी बोला है, ये आपको बोला है पी और क्यू मिडिल पॉइंट से ए बी और ए सी के, पी और क्यू ये इसके मिडिल पॉइंट है। अच्छा देखो, अगर सपोज ये दोनों इसके मिडिल पॉइंट है ना, तो ऑटोमेटिकली जब दोनों को जोड़ूंगे ना तो पी क्यू और बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल पोर्शन आपको दिया मतलब, तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। R इज अ पॉइंट ऑन सेगमेंट पी क्यू, आर एक पॉइंट है, पी क्यू में R एक बिंदु है, ठीक है, सच दैट पी आर इज टू पी क्यू 1:2, पी आर और पी क्यू ध्यान देना, ये पी आर और पी क्यू, पी आर इज टू पी क्यू ये आपको दिया 1:2 दिया, पी आर इज टू पी क्यू, तो ऑब्वियसली ये दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। और बी सी आपको क्या निकालना है, आपको बी सी आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, बी सी आपको निकालना है, ठीक है ना, सिंपल है। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है ये आपका बराबर बराबर भागों में बटा है, ये अगर सपोज मैं एक लिया तो ये एक लिया, तो ये जो पूरा का पूरा होगा ना, याद रखना ये आपको कितना हुआ, ये पूरा आपको क्या कितना हुआ, दो, ये एक और ये एक कितना हुआ, दो हुआ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, दो, ये पूरा कितना होगा, दो, और ये कितना है, एक, जब ये एक है ना तो ये कितना हो रहा है, दो, समझ में आ रहा है, जब ये आपका एक है तो ये आपका कितना हो रहा है, दो। अब अगर सपोज़ ये पूरा अगर मैं लिया, इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिया दो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, चार, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको अपन बीपीटी के थ्योरम से बना सकते हैं कि ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसको हम चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं कि ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसको हम चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों में आंसर वही आना, आंसर में कोई चेंज आपका नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया, कौन सा था आपके पास, अगला, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी बोला है, डी एफ आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, तो ध्यान देख लो, ए है बी है और सी आपके पास एक पॉइंट है, डी पैरेलल टू बी सी दिया, चलो डी ई पैरेलल टू यहां पर क्या दिया, बी सी दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ए डी डी बी एंड, अच्छा ए डी आपको कितना दिया हुआ है, ए डी डी बी और बी, अच्छा पहले ये देख लेते, ए डी, ए डी कितना दिया है, 10, डी बी कितना दिया है, 5, डी ई कितना दिया है, डी आपको दिया हुआ है 6, डी ई, डी आपको कितना दिया हुआ है, 6, तो आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, आपको क्या निकालना है, बी सी आपको निकालना है, ठीक है ना। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे सेम वही, ये इसके समांतर है, पैरेलल है ना, मतलब दोनों यहाँ पर क्या हो गया, अपना कॉन्ग्रुएंट समांतर हो गया, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए डी अपॉन जो डी ई है ना वही रेशियो किसका होगा, ए बी अपॉन किसका होगा, बी सी का हमारे पास होगा, तो ए डी कितना दिया हमारे पास, 10, डी कितना दिया हुआ है, 6, ए बी कितना हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, 15, बी सी को मैं x ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x बराबर 90, तो x कितना हो जाएगा, 9, तो वैल्यू का बी सी कितना हो जाएगा, 9, ये हमारा आंसर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कौन सा था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस 10:25 तक, 8 मिनट बचा, आज आखिरी दिन है वैसे भी। आओ, ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल जी एच आई आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल आपके पास डी ई एफ जी एच आई, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। लेंथ ऑफ डी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। डी आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। कॉरस्पॉन्डिंग जी एच कितना दिया है, 9। जी एच क्या दिया है, 9। वॉट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी एफ एंड जी एच है। अब जब सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो आपको पहले ही बताया था आपको कि जो एरिया होता है ना, जो आपका एरिया होता है, एरिया क्या होता है, आपकी जो भी संगत भुजाएं होती है, संगत भुजा मतलब जो भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो भी आपका रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, उसका यहाँ पर क्या होता है, वर्ग होता है। तो इसका यहाँ पर क्या दिया है, 4, और इसका यहाँ पर क्या दिया है, 9। तो दोनों का वर्ग कर लेंगे, डी एफ और जी एच आई का, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 9 का वर्ग कितना हुआ 81, तो 16:81 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का, जस्ट अगले पे आते हैं। या एक और ऑप्शन डाल लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन। अभी कुछ देर पहले बताया था आपको वही होगा। अब 256 अपॉन 441 इक्वल टू यहां पर क्या होगा, PR। अब यहां पे देखना, ये 12 बटे AC को अपन लोग क्या ले लेते हैं, AC को अपन ले लेते हैं X, तो ये इसके वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि जो एरिया होगा ना संगत भुजाओं के, यहाँ पर आपको कुछ देर पहले बताया आपको, जस्ट अभी अभी बताया आपको कि जो एक क्षेत्रफल होगा संगत भुजाओं का, जो भी रेशियो होगा उसके यहाँ पर क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा, तो इसलिए ये हुआ। अब ये किसका होता है, 16/21 का वर्ग होता है ये वाला, और यहाँ पर 12/x का वर्ग, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 × 12/ यहाँ पर 16, 4 3 बार में, तो ये हो जाएगा 63/4, मतलब 15.75 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब आपका वही होना है, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और नीचे x स्क्वायर करेंगे ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालने पड़ेगा, तो आंसर विल बी द सेम, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ए बी सी एंड डी एफ टू मिड पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, एंगल बी ए सी 40 डिग्री, तो ए बी सी 65 डिग्री, तो निकालना है सी ई डी। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। ए है और ये बी है, दोनों ए और बी समांतर रेखाएं हैं, और ये यहां पर एक है पी, पी इसका ट्रांसवर्सल है, मतलब तिर्यक रेखा। तो ऐसे में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों कोण बराबर होंगे, सम्मुख, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों भी यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों यहाँ पर बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये पहला काम।
ठीक है ना, ऑपोजिट जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो वहां बराबर होंगे। दूसरा ये वाला बराबर होगा, ये इसका नीचे वाला, ये इसका नीचे वाला, ये भी यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब हम ऐसा करेंगे तो जो ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये जो वाला एंगल है जहां पे जड़ बना रहा है, ये बनेगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एक बार आंतरिक बनता है, एक बार बाहरी बनता है। तो कहीं पर भी आपके पास जड़ बनेगा ना, तो याद रख लेना, जड़ अगर सपोज ये आपके पास जड़ बना है, आपके पास ये, आपके पास ये, आपके पास जड़ बना है इस तरीके से, और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों कोण यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। अब ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात की है, देख लो भाई, ए है, बी है और सी है, डी और ई मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के, डी और ई मिड पॉइंट है, तो मतलब ये दोनों यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो गया, समांतर हो गया। एंगल बी ए सी कितना दिया, 40 डिग्री, बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना दिया, 40 डिग्री, और एंगल ए बी सी दिया 65 डिग्री, एंगल ए बी सी ये कितना दिया, 65 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना सी ई डी, निकालना सी, कौन सा रे, अच्छा सी ई डी, अच्छा सी ई और डी निकालना। अच्छा ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 65, दोनों मिला के कितना हो गया, ये दोनों मिला के 105 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 75। समझ में आ रहा है, ये 75 है तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, 75। कुछ देर पहले बताया आपको संगत को, और ये दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना भाई। अच्छा सी डी, ए डी के दिया, ठीक, अपने एंगल क्या निकालना है, सी ई और डी निकालना है, ठीक। तो एक यहाँ पर क्या हो, इसको ठीक कर लें, 105 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यही बोला ना अपने पास, बी ए सी 40 दिया, बी ए सी अपने पास 40 दिया है, ए बी सी, ए बी सी आपको दिया 65 डिग्री, ये 40 दिया, ये 65 दिया है, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर क्या होगा, 65 ही होगा, है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक, ये 65 होगा, ये 65 होगा, हाँ सॉरी सॉरी, ये 65 होगा, तो ये कितना हुआ, ये दोनों मिला के 105 हुआ, ठीक है। अगर सपोज आपको ये वाला बोलेगा ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा हो गया होगा। और अगर सपोज आपको ये वाला बोलेगा ना, ये दोनों मिला कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा, 105 होगा। तो देख लेना, अगर ये बोलेगा तो 105 और वो बोलेगा तो 175, मतलब सॉरी 75 डिग्री होगा, ठीक। तो सी ई डी की जगह वो एक्चुअली में ए ई डी निकालना बोला था, ठीक है ना, वो सी डी था ना, वो यहाँ पर एक्चुअली में वो ए ई डी, ठीक है, बस इतना ही फर्क है आपके पास, और कोई फर्क नहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना ना। Here comes the next question. Equilateral triangle, equilateral triangle याद रखना, equilateral triangle में यहां पर क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, और हर एक के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। ट्रायंगल ABC बोल रहा है, equilateral triangle है, तो ये A, B और सी समांतर है, डी ए बी बी सी, ये इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को अपन लोग ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये इसके मिड पॉइंट को अपन लोग ऐसे जोड़ देते हैं। टेंशन नहीं लेते, इसका मिड पॉइंट है, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं और इसको एफ। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो बना है वो यहाँ पर क्या बनेगा, वो यहाँ पर जो बनेगा ए बी सी डी जो बनेगा वो यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा क्या, नहीं, ट्रेपेजियम बनेगा क्या, स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अच्छा दो बार आ गया ना, वो एक्चुअली यहाँ पर क्या बनेगा, वो बनेगा पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम मतलब यहाँ पर क्या होगा, समांतर, समांतर चतुर्भुज, याद रखना ठीक है। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ये और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा, मतलब समांतर है क्योंकि पैरेलल है, और ये और ये यहाँ पर क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी ऐसा बांटता है ना, जब इसके मिड पॉइंट होता है ना, तो ये इसको चार बराबर भागों में, चार बराबर ट्रायंगलों में यहाँ पर बांटता है, तो किसी भी एक का एरिया क्या होगा, उस पूरे ट्रायंगल का यहाँ पर क्या होगा, एक बटे चार भाग होगा। ये भी आपको बहुत बार पूछ सकता है, अगर बोलेगा एरिया डी ई एफ हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एरिया ए बी सी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार, ठीक है ना। ये भी आपको पूछ सकता है, चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन बोला आपको वैसे वैसे बनाते चलना, कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, है ना। ये आपको दिया हाइट ऑफ टू सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, पहला राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल। अच्छा, इसका हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट मान लेते हैं 48 और इसका हाइट मान लेते हैं 36। ओपी कितना दिया है, 12, ओपी कितना दिया है 12, तो आपको क्या निकालना है, एलएम निकालना है। तो यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल दोनों मतलब यहाँ पर क्या सिमिलरिटी होगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अपन लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितना है 48 है और यहाँ पर कितना है 36, यही फ़र्क हमारा था। 12 एक बार में, 12 तीन बार में, 3 एक बार में, 3 16 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, क्लियर हुआ। ठीक, अगला देख लो, मेंसुरेशन का मिला के दिया हूं इसमें आपको, आपका इसमें मेंसुरेशन का मिला के डाला गया है। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, साइड कितना दिया 16, आपको क्या निकालना है, इसका आपको हाइट निकालना है, आपको ये निकालना है, हाइट को अपन क्या मान लेते हैं एक्स, इसका अगर मैं एरिया इसको बेस लेके और इसको हाइट लेके बनाए तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 16 इंटू एक्स। और एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्गमूल 3/4 गुणित यहाँ पर क्या होता है, ए का वर्ग होता है, तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अंडर रूट 3/4 इंटू यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ 16 का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ 16 एक्स एक्स, यहाँ 16 कटेगा, दो एक बार में, दो दो बार में, दो एक बार में, दो आठ बार में, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या बचा, 8√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए, अच्छा इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, ओके ओके सॉरी, ये सर्कल ए बी सी और इसको ले लेते हैं डी, ठीक है, सी ए बी, सी ए बी कितना दिया 48 डिग्री, सी ए बी कितना दिया हुआ है 48 डिग्री, सी ए बी ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया 48 डिग्री, तो आपको क्या निकालना है, ए डी सी का मान निकालना है, किसका निकालना है, ए डी सी का मान निकालना है,
ठीक, चक्री में यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको पहले बताया था, आपको अगर व्यास होगा, इस व्यास के दोनों सिरे से मैं कहीं पर भी कोई सा भी एंगल बनाऊंगा तो वो डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज बना, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये 90 और 48 मतलब 138 आपका हो चुका है, तो बचे कितना, 180 में से 38 गया तो कितना बचेगा, ये आपके बचेगा, ये आपके बचेगा 42, कितना बचेगा आपके पास, 42 बचेगा। और चक्री चतुर्भुज में यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल होता है दोनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो अगर इसमें ये 42 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 138 डिग्री ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छी वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपको अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, वो इस तरीके से आपका होता है, ये आपको दिया मान लो 45 और ये आपको दिया है 60 और आपको ये वाला कोण निकालना है, ठीक है ना, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका 45 है, मतलब स्ट्रेट लाइन खींचे, ये आपका 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 105 डिग्री ये वाला हुआ। और हम ये जानते हैं कंप्लीट मिला के कितना होता है, 360 होता है, तो इसमें मैं यहाँ पर मैं लिया, तो यहाँ पर जब मैं लिया तो ये जो डिग्री है मेरा कितना आ चुका है, 105 डिग्री मेरे पास आ चुका है, तो ये जो बचा ये कितना हो जाएगा, 360 में से 105 गया तो 255 डिग्री आपका। ये भी पूछ सकता है कि आपका ये वाला एंगल भी पूछ सकता है और ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, वापस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको इसमें जितने सारे आपको मैक्सिमम आपको करा सके, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से ज्योमेट्री है तो बहुत वास्ट, लेकिन आपके पीएससी और सीसेट के हिसाब से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस का आपको समावेश यहाँ पर किया हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और आपको सिर्फ और सिर्फ काम का पढ़ना पड़े, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए